स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको? फर्स्ट ईयर स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक यस मैम। है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंजक्टाइवा। तो जैसा कि मैंने आपको आईज के बारे में पढ़ाया है, उसका एनाटॉमी पढ़ाया, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ाई होगी, तो आज हम बात करेंगे कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा हमने बहुत बार सुना है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कंजक्टाइवा होता क्या है, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है और उसका क्या काम है। तो जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है कंजक्टाइवा की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ कंजक्टाइवा को इस तरह डिफाइन किया कि कंजक्टाइवा क्या है। एक थिन सेमी ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, हमारे आई लीड, मतलब दैट कवर द इनर सरफेस ऑफ आई लीड, जो हमारे आई लीड की इनर सरफेस को कवर करती है, और साथ साथ किसको कवर करती है, हमारी आई बॉल के वाइट पार्ट को, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। ये कह लो कि कंजक्टाइवा एक तरीके की पतली सेमी ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारे आई लीड की इनर सरफेस और हमारी आई बॉल के वाइट पार्ट को कवर करती है। तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है ना, ये आई दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रही है कंजक्टाइवा लाइंस विथ आई लीड एंड सरफेस ऑफ आई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा या कंजक्टाइवा पार्ट्स। तो जो हमारा कंजक्टाइवा पार्ट्स है वो थ्री पार्ट्स में, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें है हमारा पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, फॉर्निशियल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा। तो इसमें आप अगर ये देखोगे, ये इसमें जो डायग्राम है इसमें देखो, आपको अगर आप अगर अपने लेफ्ट राइट साइड से लिखा होगा आपको बल्बर कंजक्टाइवा, जो लेंस के लेफ्ट साइड प्रेजेंट दिखाई दे रही है, बेटा दिखाई दे रहा है सबको? बल्बर कंजक्टाइवा आपको दिखाई दिया, पल्पिब्रल कंजक्टाइवा दिखाई दिया, ठीक है। तो जो हमारे कंजक्टाइवा की जो पार्ट्स है वो थ्री, फॉर्निशियल और बल्बर। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा, फिर उसका डिवीजन, फिर सब डिवीजन जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, तो हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा जो हमने पीछे भी पढ़ा, तो इसमें एक है पल्पेब्रल कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा और कंजक्टाइवल फॉर्निशियल, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करेंगे पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। पल्पेब्रल को उनका डिवीजन हुआ है वो भी थ्री पार्ट में, तो पहला है मार्जिनल, दूसरा है टार्सल, तीसरा है ऑर्बिटल। बल्बर कंजक्टाइवा टू पार्ट्स में डिवाइड है, स्क्लेरल और लिम्बल, और कंजक्टाइवल फोर्निशियल्स को हमने फोर पार्ट में डिवाइड किया है, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटर और मिडिल पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो इस स्लाइड से हमें कंजक्टाइवा के डिवीजन के बारे में बताया है, और साथ साथ उनके सब डिवीजन को भी दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो स्लाइड है इसमें हमें प्रॉपर कंजक्टाइवा के बारे में पता चला कि प्रॉपर कंजक्टाइवा जो, या कंजक्टाइवा के जो पार्ट्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे हमारी आई लीड्स है और आई बॉल है, तो यहाँ पे हमारी आई लीड्स और आई बॉल को के साथ साथ हमारे कंजक्टाइवा को शो किया गया है। तो यहाँ पे आपको मिडिल पार्ट में आपको ब्लू कलर का कॉर्निया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? तो देखो, जो यस हमारा मैम। जो मीडियम, जो ब्लू कलर का मिडिल में जो कॉर्निया दिखाई दे रहा है, उसके लेफ्ट साइड हमारा अपर लीड है आई लीड, और जो राइट साइड वहाँ लोअर आई लीड है, तो ठीक है, अपर और लोअर आई लीड। तो अगर हम अपर आई लीड की बात करें, तो अपर आई लीड पे हमें पैलिप्रल एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, पैलिप्रल कंजक्टाइवा शो हो रहा है और बल्बर कंजक्टाइवा शो रहा है, और लोअर आईलिड में भी हमें पेरिफेरल एपिडर्मिस, पेरिफेरल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा
ताइवान दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना दोनों साइड। ठीक, अब हम बात करेंगे पल्पिब्रल कंजक्टाइवा की। पल्पिब्रल कंजक्टाइवा क्या है? ठीक है, तो पल्पिब्रल जो कंजक्टाइवा है वो कवरिंग द आईलिड, वो आईलिड को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, फर्म एडहेरेंस है, हाईली वस्कुलर है, एक्सट्रीमली थिन होती है और स्ट्रॉन्गली बाउंड टू द टार्सल प्लेट। और स्ट्रॉन्गली वो क्या है, टार्सल प्लेट से बाउंड होती है, हमारी पल्पिब्रल कंजक्टाइवा है। ठीक है, अब हमारी फोर्निशियल कंजक्टाइवा, जो फोर्निशियल कंजक्टाइवा है वो क्या करती है, कवरिंग द लीड्स, वो लीड्स को कवर करती है थ्रोन इनटू फोल्ड। ठीक है, ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन पल्पिब्रल एंड बल्बल कंजक्टाइवा के बीच में एक ट्रांजिशनल रीजन है, इसमें सुपीरियर इनफॉक्सिस है जो है 10 mm फ्रॉम लिम्बस से, इनफीरियर फॉर्निक्स है 8 mm फ्रॉम लिम्बस, लेटरल फॉर्मिंग 14 mm फ्रॉम लिम्बस और मिडली ये क्या है, अब्सेंट होती है। यहाँ देखो इसमें आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बल्बरल कंजक्टाइवा। जो हमारा बल्बरल कंजक्टाइवा है ये क्या करता है, ये हमारी कवरिंग द आई बॉल, जो हमारा पल्पिब्रल था वो किसको कवर कर रहा था, वो हमारे आई लीड को कवर कर रहा था, लेकिन जो बल्बरल कंजक्टाइवा वो क्या कर रहा है, हमारी आई बॉल की कवरिंग कर रहा है। ठीक है, जो क्या है, थिन ट्रांसलूसेंट एंड लूजली अटैच टू द अंडरलाइंग स्क्लेरा बाय टोनस कैप्सूल। मतलब जो हमारे बल्बर कंजक्टाइवा है वो बहुत ही थिन ट्रांसलूसेंट और लूजली वो किससे अटैच है, हमारे स्क्लेरा से बाय द टेनन कैप्सूल्स के थ्रू अटैच है। कंजक्टाइवल लिम्बस 1 mm एंटीरियर टू कॉर्नियल लिम्बस, जो हमारा कंजक्टाइवल लिम्बस है वो 1 mm एंटीरियर है, कहाँ पे हमारे मतलब 1 mm एंटीरियर से लेके लीनियर लिम्बस तक है। ठीक है, अब ये हमारे एपिथीलियम ऑफ कंजक्टाइवा की, कंजक्टाइवा के एपिथीलियम क्या है, तो इसमें क्या है, द इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड आउटर सरफेस ऑफ आई बॉल आर लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम। कहने का मतलब है कि जो हमारी आईलिड की जो इनर सरफेस होती है और जो हमारी आई बॉल की आउटर सरफेस होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, कौन सी एपिथीलियल सेल प्रेजेंट है, वहां पे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियल सेल प्रेजेंट होती है जो कंटेनिंग होती है गॉबलेट सेल, जिसमें क्या होंगे, गॉबलेट सेल होंगे विच सिक्रीट म्यूकस, जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी आई लीड की इनर और आई बॉल के अपर पार्ट में स्ट्रेटिफाइड कॉर्नर एपिथिलियम सेल है जिसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होंगी और जिनका काम होगा म्यूकस को सिक्रीट करना। ठीक है, एट लिम्बस चेंजेस इनटू स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस नॉन कैरेटिनाइज एपिथिलियम। लिम्बस के पास जो एपिथिलियम सेल है वो क्या होंगी, वो स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस नॉन कैरेटिनाइज एपिथिलियम में चेंज हो जाएंगी। एट लीड मार्जिन, जो लीड की जो आई लीड की जो मार्जिन है वो क्या होगी, चेंज इनटू स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस कैरेटिनाइन एपिथिलियम, और जो लीड की साथ की जो मार्जिन है वो स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस कैरेटिनाइज एपिथिलियम में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंस होता है। ठीक है, एपिथेलियल लेयर कंटेन ब्लड वेसल, जो एपिथेलियल लेयर है उसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा, फ्यूब्रस टिश्यू प्रेजेंट होगा और साथ साथ लिम्फेटिक चैनल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब बात आती है ब्लड सप्लाई की। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है कंजक्टाइवा का, तो देखो तो उसमें क्या है, आर्टेरियल सप्लाई मतलब आर्टरीज के थ्रू सप्लाई है, तो उसमें एंटीरियर
मेरा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरा आवाज आ रही यस मैम। है? तो अभी हम आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है? एंटीरियर कंजक्टाइवल आर्टरीज ड्राइव फ्रॉम एंटीरियर सिलरी आर्टरीज। जो हमारी एंटीरियर कंजक्टाइवल आर्टरीज है वो कहाँ से आएंगी? एंटीरियर सिलरी आर्टरीज से आएंगी। और पोस्टीरियर कंजक्टाइवल आर्टरी ड्राइव फ्रॉम आर्टेरियल आर्केड ऑफ लीड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय पल्पेब्रल ब्रांचेस ऑफ नेसल्स एंड लैक्रिमल आर्टरीज ऑफ लीड। कहने का मतलब है जो हमारी पोस्टीरियर कंजक्टाइवल आर्टरीज है वो ड्राइव करेंगे हमारे आर्टेरियल आर्केड ऑफ लीड, जो हमारी आई लीड है उसकी, जो किससे बना हुआ है? विच इज फॉर्म बाय पल्पेब्रल ब्रांचेज ऑफ नेजल। जो नेजल की जो पल्पेब्रल ब्रांचेज है उसका बना हुआ है। साथ साथ जो हमारी लैक्राइमल आर्टरीज ऑफ लीड होते हैं उसका बना हुआ है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए आर्टेरियल सप्लाई। अब है वीनस, वीनस ड्रेनेज। तो वीनस ड्रेनेज में कौन इन्वॉल्व? इसमें हमारी पल्पेब्रल और ऑप्थैल्मिक वेन इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब ये देखो ब्लड सप्लाई ऑफ आई वॉल। जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ब्लड सप्लाई ऑफ द आई वॉल। तो इसलिए हम इसमें है हमारे आई बॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको देखो प्रॉपर दिखाई दे, एंटीरियर सीलरी वेसल दिखाई दे रही होंगी, करक्यूलस वेस्कुलस आयरिस मेजर दिखाई दे, ऑप्टिक नर्व है, सेंट्रल रेटिनल आर्टर वेन और रेटिना कोरोइड स्क्लेरा या वॉर्टेक्स, ये सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब है हमारी नर्व सप्लाई। तो ये नर्व सप्लाई में आता है बल्बर कंजक्टाइवा। जो हमारा बल्बर कंजक्टाइवा है नर्व सप्लाई, इसमें कौन कौन से नर्व इन्वॉल्व है? तो इसमें लॉन्ग सिलरी नर्व इन्वॉल्व होंगी, नेसो सिलरी नर्व इन्वॉल्व होंगी और ऑप्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर पल्पेब्रल एंड फोर्निशियल कंजक्टाइवा। तो इसमें कौन कौन सी नर्व होंगी? इसमें होंगी फ्रंटल एंड लैक्राइमल ब्रांचेस ऑफ ऑप्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हमारी इंफीरियर पल्पेब्रल और एंड फोर्निशियल कंजक्टाइवा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके की लेटरल लैक्राइमल ब्रांचेस ऑफ थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व होंगी। इसमें मतलब जो हमारी इंफीरियर पल्पेब्रल और फोर्निशियल कंजक्टाइवा, इसमें कौन सी नर्व? इसमें हमारे लेटरल लैक्राइमल ब्रांचेस ऑफ थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व प्रेजेंट होंगी और मिडिलरी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब है सिम्थेटिक। इसमें क्या है? सुपीरियर सर्वाइकल सिम्थेटिक सिम्फेटिक टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसमें क्या है? लिम्फ वेसल्स आर अरेंज एज डीप एंड सुपरफिशियल प्लेक्स इन सब म्यूकोसा। मतलब कहने का, इसमें जो जो लिम्फ वेसल्स है वो बहुत ही डीपली अरेंज है और ये सुपरफिशियली फ्लेक्सेस इन सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब है फिजियोलॉजी ऑफ कंजक्टाइवा। फिजियोलॉजी का मतलब कि हमारे कंजक्टाइवा का फंक्शन क्या है। तो ये क्या है? जो कंजक्टाइवा इज ये स्मूथ सरफेस है, सीक्रेट म्यूसिन है, एक्वस कंपोनेंट ऑफ टीयर फिल्म। ये जो हमारा कंजक्टाइवा है म्यूसिन और एक्वस कंपोनेंट ऑफ टीयर फिल्म को सीक्रेट करता है, हाईली वेस्कुलर है और न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। कहाँ पे सप्लाई करेगा? पेरिफेरल कॉर्निया को ये न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। एक्वस वेन ड्रेन फ्रॉम एंटीरियर चैम्बर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आईओपी। आईओपी का मतलब होता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। तो हमारा जो कंजक्टाइवा है वो एक्वस वेन ड्रेनेज करता है कहाँ से? एंटीरियर चैम्बर से। जो हमारे एंटीरियर चैम्बर है वहां से एक्वस वेन के थ्रू ड्रेनेज कर देगा, जिसकी वजह से वो हमारे आई के इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा और साथ साथ क्या करेगा? हेल्प टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इनटू आई। मतलब और साथ साथ वो हम माइक्रोब्स की एंट्री मतलब आई में जो माइक्रोब्स की एंट्री है उसको भी रोकने में सहायता करेगा।